हे दोस्तों, मैं रणवीर वापस से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइफ पेट्स के एक और नए एपिसोड पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लीन दिस आइसोलेटेड चैम्बर ऑफ फाइटर फिश। दोस्तों, फाइटर फिश के जो अलग अलग आइसोलेटेड चैम्बर होते हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे वाटर टैंक पे, जो साइट पे है, इस वाले पे आप देख सकते हैं कि मेरा वाटर टैंक पे जो आइसोलेटेड चैम्बर है वो बहुत ही गंदा हो चुका था, तो उसको हमने आज बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन किया है। तो कैसे किया, चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा आइसोलेटेड चैम्बर जो है बहुत ही गंदा हो गया है। मेरा बाकी का वाटर टैंक तो साफ़ है, लेकिन आइसोलेटेड जो चैम्बर है बहुत इतना गंदा हो चुका है कि इसके नीचे बहुत से मैल भी जमे हुए हैं और इसका पानी जो है बहुत पूरा का पूरा धुंधला हो चुका है और इससे बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। इसके नीचे बहुत से मैल जमे हुए थे। तो दोस्तों, इसको साफ़ करने के लिए मैंने सबसे पहले तो इसको अंदर से जो है बाहर निकाल लिया था और ये आसानी से बाहर भी आ गया था और उस टाइम उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी भी नहीं था। तो दोस्तों, उसको बाहर निकालने के बाद मैंने हाथ से जितना हो सका उतना सफाई किया। मैंने हाथ से घिस घिस के अच्छी तरीके से इसके साइड को रब किया और इसके इससे जो एल्गी वगैरह साइड में लगे हुए थे, ये जो पैर के जैसे एल्गी थे, उनको मैंने साफ़ किया। आप देख सकते हो कि अंदर बहुत सारा मैल है। मेरा उंगली जितना दूर तक जा पा रहा था, मैंने उतनी दूर तक इसको अच्छे से साफ़ किया और मैल ऊपर उठ जाने के लिए उसको अच्छे से हिला दिया। उसके बाद जब मेरे से ना हो पाया तब मैंने ब्रश लेके आ गया, तो ब्रश से मैंने अच्छे से उसकी साइड वॉल्स और उसके नीचे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मैल जम गए थे, उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से उठाया जो कि अंदर नीचे जम गए थे, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। दोस्तों, ये सिर्फ नियर अबाउट 2 to 3 weeks में ही इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि मैं खाना उसको इतना ज़्यादा नहीं डालता। मैं एक डेढ़ हफ्ते के लिए बाहर था तो मेरे मम्मी पापा ने उसको बहुत ज़्यादा खाना डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि पैलेट्स के दाने जो है वो नीचे बहुत ज़्यादा जमे हुए और ब्रश में भी बहुत सारा जम गया था। दोस्तों, उसके बाद मैंने इसके वाटर को जो है बाहर से ड्रेन आउट कर दिया आधे तक और लगभग थोड़ा सा वाटर मैंने इसके अंदर जो है रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ है वो बचे रहे। इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो जिसको आप प्रोबायोटिक भी बोल सकते हो, वो बचे रहे, ताकि ये जो पी करे और पॉटी करे उससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा ना हो पाए, ताकि वो पी वगैरह को खा ले वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। तो थोड़ा सा पानी तो मैंने नीचे रख दिया, लेकिन पानी को मैंने अच्छे से छान लिया था और जो सॉलिड पार्टिकल्स थे डस्ट के, खाने के, पैलेट के या फिर एल्गीज के, उनको मैंने छान लिया था। तो बाकी के टैंक को मैंने अलग से रख के थोड़ा पानी बाकी के टैंक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और जो थोड़ा पानी था उसको मैंने अलग जगह पर रखा था और टैंक को मैंने अच्छे से पानी से वॉश किया था। उसके बाद मैंने एक मिनरल वाटर लाया, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर एक्वेरियम जो शॉप्स है वो सभी बंद है और मेरे पे एंटी क्लोरीन ख़त्म हो गया है। मैं वैसे तो अपने वाटर टैंक का ही वाटर यूज़ करता हूँ, लेकिन एंटी क्लोरीन यूज़ करता हूँ, बट एंटी क्लोरीन जो है मेरे घर पे ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने मिनरल वाटर ही लेके आ गया और मिनरल वाटर लेके आके उसका टैंक जो है वो एनफ भर दिया और उसके बाद वापस से उसको अपने वाटर टैंक में ऐड कर दिया। दोस्तों, अब देख सकते हो कि ये आगे पहले से कितना ज़्यादा साफ़ है। दोस्तों, उसकी गंदगी की मेन कारण थी कि उसकी पी और उसकी जो मैं थोड़ी बहुत ओवर फीडिंग हो गई थी और रेगुलर, मतलब टाइम टू टाइम क्लीन नहीं हुआ था ये पानी। और दूसरा कारण था कि एल्गी आमतौर से इसलिए जमती है क्योंकि आपके टैंक में लाइट पड़ता है। लाइट पड़ने से जो पानी के नीचे का जो ग्रास होता है वो ग्रो हो जाता है, उसको हम एल्गी बोलते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस जब मैं साफ़ कर रहा था, तो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स पैलेट के बजाय भी कुछ हरा हरा भी था, वो था एल्गी। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं कि ये कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है और नियर अबाउट समझ ही नहीं आ रहा है कि अंदर एक आइसोलेटेड चैम्बर है जिसके अंदर फाइटर फिश है। आप अगर थोड़ी दूर से देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आइसोलेटेड चैम्बर है और इसका पानी जो है पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसमें कोई भी मैल अब बचा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो हाउ टू क्लीन द फाइटर फिश आइसोलेटेड चैम्बर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।